खंडा के अंदर, वहाँ पे हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया और 15 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत के हमारी टीम लौटी, जिसका स्वागत आज प्रिंसिपल साहब श्री ओम प्रकाश जी, द्रोणाचार्य अवार्डी कुश्ती कोच, जो वो सभी ने मिलकर इस पूरी टीम का स्वागत किया। एक साथ 31 मेडल जीतकर प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखौदा के खिलाड़ियों का दबदबा। 9वीं सोनीपत जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता जो कि 13 मई 2022 को खांडा सोनीपत में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखौदा के खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण, 10 रजत व 6 कांस्य पदक सहित कुल 31 पदक जीतकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ब्लॉक खरखौदा, प्रताप स्कूल खरखौदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में कैडेट वर्ग में राहुल 45, कुणाल 52, सुमित 63, मोहित मलिक 70, दिवस 57 ने स्वर्ण पदक, कुणाल 57, लक्ष्य 50, भविष्य 45 ने रजत पदक, कार्तिक 45 व लोकेश 52 ने कांस्य पदक। जूनियर में खुशी 59, पलक 45 ने स्वर्ण, वैभव दहिया 55 ने रजत, सीनियर में साधना 45 व शालू 50 ने स्वर्ण पदक, अंडर 14 आयु वर्ग में नकुल 55, शुभम 35, धीरज 40 व केशव 42 ने स्वर्ण पदक, निखिल 65, आर्यन 40, वंशु 45, लक्ष्य 50, चांद 55 व केशव 60 ने रजत पदक, जयेश 45, राकेश 40 ने कांस्य पदक, अंडर 12 में प्रतीक 45, जिज्ञांश 50, तान्या 30 ने स्वर्ण पदक, दिव्यांग 22 ने रजत व कार्तिक 40 ने कांस्य पदक प्राप्त किया।
सभी पदक विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल खरखौदा, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, कोच जगमेंद्र पांचाल व दीपक डांगी ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सभी ने खिलाड़ियों को जीतने पर बधाई दी तथा भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर कोच जगमेंद्र पांचाल ने बताया कि उपरोक्त प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय करोट प्रतियोगिता के लिए हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी इन खिलाड़ियों से पदक की पूरी पूरी उम्मीद है। खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय अपनी कठोर मेहनत, अपने माता पिता, प्रशिक्षक व स्कूल प्रबंधन समिति को दिया। ¡Gracias!
नाम जगमेंद्र पांचाल है, मैं डीएड स्पेशल कर रही हूँ, मैं साथ के साथ गेम भी करती हूँ। अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट हुई थी खांडा, वहाँ पर मेरा गोल्ड आया है और आगे स्टेट में नेशनल में सिलेक्शन हुआ है और आगे भी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं और आगे भी गोल्ड लेते हैं। जैसे आप यहाँ लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते हो तो किसी प्रकार का संकोच या कोई? नहीं नहीं, ऐसा कोई संकोच नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, सभी फ्रेंडली रहते हैं। मेरा नाम शुभम है, मुझे यहाँ पे कराटे में आए 2 महीने हुए हैं और मेरा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार गोल्ड आया है। मैं बहुत खुश हूँ मेरा गोल्ड आया है और मैं आगे जाके भी स्टेट में गोल्ड लाऊंगा। और मैं शालू और मैं अभी अभी डिस्ट्रिक्ट खेल के आई थी, उसमें गोल्ड मेडल आया है और अभी रिसेंट मैं ऑल इंडिया खेल के आई थी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल के आई थी, उसमें मैं पार्टिसिपेशन रहा है। और जैसे कि हम अभी खेल के आए हैं तो हमारी टीम पूरी मेडल लेके आई है, बहुत अच्छे तरह सबने फाइट की और बहुत अच्छा स्कूल का नाम रोशन करा। मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, प्रताप से मैं प्रैक्टिस करती हूँ और रेगुलर प्रैक्टिस चलते हैं मेरी कराटे की, जगमेंद्र कोच करवाते हैं। खेल मेरी पढ़ाई में मदद करता है क्योंकि इससे मेरा माइंड शार्प होता है और इससे मुझे ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे मैं 1 घंटे में जो 2 घंटे वाला कवर कर सकती हूँ। मेरा नाम तान्या है, मैं डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आई हूँ और दूसरी बारी भी डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड आई हूँ और स्टेट में भी गोल्ड आई हूँ और मैं अपने किताब स्कूल का नाम रोशन करूँगी और अपने भारत का भी नाम रोशन। नहीं, मैं 7th मैरीगोल्ड में हूँ तो कुछ वादा नहीं, मैं अच्छे से खेल लेती हूँ और अच्छे से पढ़ लेती हूँ। नाम राहुल है, मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ता हूँ और छात्रावास में रहता हूँ। मुझे यहाँ पर पूरा 1 साल हो गया, मेरा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आया है। मेरे कोच श्री जगमेंद्र पांचाल सिंह है, वह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। और मैं पढ़ाई के साथ गेम भी करता हूँ हॉस्टल में, हम हॉस्टल में रहते हैं, हमें यह बेनिफिट है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं छूटती, लगातार प्रैक्टिस चलती है और हमें कम जो होता है, हमारा टाइम बचता है। जो आउटर बच्चे आते हैं और उस टाइम को हम पढ़ाई में लगा लेते हैं, और जैसे आउटर बच्चे आते जाते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, अपना व्यायाम करते हैं एक्स्ट्रा, इसमें यह फ़ायदा होता है हमारे हॉस्टल वालों का। मैं यहाँ पे प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में खेल के साथ पढ़ाई भी करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेशन करके गोल्ड का पदक हासिल किया है और मैं आगे स्टेट में पार्टिसिपेशन करके वहाँ पे भी गोल्ड लेके नाम रोशन करूँगा अपने स्कूल का और कोच का और पेरेंट्स का, और मैं आगे जाके भी गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। थैंक जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रताप स्कूल की जो टीम है कराटे की, वो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके लौटी है और अच्छे गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। और मैं द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। राज्य स्तरीय होने वाले कराटे चैम्पियनशिप के लिए इनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और देखो, हमारा ये आप हर रोज़ देखते हैं कि किसी न किसी गेम में मेडल आते रहते हैं, चैम्पियनशिप बच्चे जाते रहते हैं, तो ये सब का सब यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है खेलों की, सभी गेमों में कोच हैं, लगभग 24 गेम हैं, सबके कोचेज अलग अलग हैं। मैं उन्हें आप इनको सब बच्चों को बधाई देता हूं और इसके साथ साथ हरियाणा खेल विभाग व साई का बहुत बड़ा योगदान है, मैं पुनः सभी बच्चों का आशीर्वाद देता हूं। नमस्कार सभी को, मैं जगमेंद्र पांचाल और ये हमारी जो टीम है प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल की, ये कराटे की टीम है और अभी एक कंपटीशन हुआ था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का खंडा के अंदर, वहाँ पे हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया और 15 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत के हमारी टीम लौटी है, जिसका स्वागत आज प्रिंसिपल साहब श्री ओम प्रकाश जी, द्रोणाचार्य अवार्डी कुश्ती कोच है जो, वो सभी ने मिलके इस पूरी टीम का स्वागत किया है। और जो बच्चे गोल्ड और सिल्वर लेके आए हैं वो आगे होने वाली जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता उसके लिए ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। को बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतने हमारे स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है ये अच्छी तैयारी कर रही है यहाँ पे प्रताप स्कूल के अंदर और ये बच्चे स्टेट लेवल पे भी सभी के सभी बच्चे मेडल जीत कर लेके आएंगे। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कराटे एक स्पोर्ट के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाता है कि एक सेल्फ डिफेंस का ये गेम है। वो
अगर कहीं कुछ ऐसी बात हो जाती है आज के टाइम में, जैसे ज़रूरत है खासकर लड़कियों को कि सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अभिभावकों से कि अपने बच्चों को ये गेम चाहे कुछ दिन के लिए ये ज़रूर कराएं, ताकि आपके बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा न्यूज़ 24 को।